हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चार ग्राफ रूल। चार ग्राफ रूल, ठीक है। इस रूल को एरविन सारग्राफ साइंटिस्ट ने दिया, एरविन सारग्राफ साइंटिस्ट ने दिया। अकॉर्डिंग दिस रूल, ये रूल क्या कहता है? अगर हम डीएनए का डबल स्टैंडर्ड, ऐसे ये डीएनए का डबल स्टैंड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ये से, ठीक है, एक इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे की पोलरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, ओके। अगर हम ये कैसा है डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके दो स्ट्रैंड है, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर हम इसके अंदर बेस पे देखें, ए के साथ टी पाएगा, सी के साथ जी मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको सिंपली ऐसे करके देखें यहाँ पे, ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 पोलरिटी, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी। इसके अंदर बेस पेयर एडेन के साथ डबल हाइड्रोजन के साथ थायमिन पाएगा, साइटोसिन के साथ ग्वानिन पाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एरविन चार्क आपने ये बताया, एरविन चार गाफ ने ये बताया, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर हमेशा एक प्यूरीन का बेस पेयर होगा, एक पिरामिडिन का बेस पेयर होगा और हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल इन नंबर होंगे, ठीक है, और कांस्टेंट मिलेंगे, जैसे हमेशा ए के साथ टी और सी के साथ जी, ठीक है। ये कह सकते हैं इन डबल स्ट्रैंड डीएनए रेशो ऑफ एडेनिन एंड थायमिन एंड आल्सो किसका साइटोसिन एंड ग्वानिन ऑलवेज इक्वल एंड कॉन्स्टेंट, ठीक है, हमेशा कॉन्स्टेंट होंगे और इक्वल होंगे, वन के इक्वल होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली डीएनए के अंदर प्यूरिन और जो पायरिमिडिन होता है उनका रेशियो भी क्या होगा, ठीक है। अगर हम डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए को देखें तो उसके अंदर क्या होगा, प्यूरिन और जो पिरामिडिन का रेशियो होगा पायरिमिडिन का, वो भी क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, अगर मैं बात करूं एडेनिन और थायमिन की, एडेनिन क्या है प्यूरिन, ठीक है, एडेनिन क्या है प्यूरिन और थायमिन क्या है पायरिमिडिन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये एडेनिन और ये क्या है, ये क्या है प्यूरिन, ग्वानिन क्या है प्यूरिन और साइटोसिन क्या है पायरिमिडिन, तो क्या होगा, हमेशा एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन, ठीक है, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन होगा। तुम ये कह सकते हो जो रेशियो होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर किसका, प्यूरिन का और पायरिमिडिन का, वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये था चार ग्राफ रूल, ठीक है, एरविन चार ग्राफ ने इसको दिया, ठीक है, उसने बताया कि डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर जो रेशियो होता है किसका, प्यूरिन का और पायरिमिडिन का, कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम इवन नेट के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं जो इस रूल पे बेस है। पहला, इफ डबल स्ट्रैंड डीएनए, अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन ठीक है, एडेनिन की कंसंट्रेशन कितनी है 30% है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डबल स्ट्रैंड ये डीएनए है ये, ठीक है, और इसके अंदर जो बेस पेयर है ए एडेनिन, ये कितना परसेंट है 30% है। तो क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ टी थायमिन
ठीक है ओके। तो ये कह रहा है कि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसके अंदर एडेनिन की कंसंट्रेशन 30% है, मींस एडेनिन 30% प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि थायमिन कितना होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। आपको पता है अगर हम डीएनए के अंदर बेस पेयर की बात करें तो डीएनए के अंदर क्या होता है, ए के साथ क्या होता है, हमेशा टी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और साइटोसिन के साथ क्या होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। जब एडेनिन 30% है तो श्योर है कि थायमिन कितना होगा, वो भी 30% होगा। तो इसका आंसर होगा, अगर हम थायमिन की कंसंट्रेशन देखें यहाँ पे कितना होगा, 30% होगा, तो आंसर होगा 30%, ठीक है ओके। 30% ये, 30% ये, सिंपली हम ये कह सकते हैं। अगर डी उस पूरे डीएनए के अंदर 30 बेस पेयर एडेनिन के हैं तो 30 बेस पेयर ये किसके होंगे, थायमिन के होंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इफ इन डबल स्टैंड डीएनए कंसंट्रेशन या रेशो ऑफ ग्वानिन जी इज 40%, ठीक है। डबल स्टैंड डीएनए है ये, ठीक है। इसके अंदर ग्वानिन कितना है, 40% है, ठीक है। ग्वानिन कितना है, 40%। देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन और रेशियो ऑफ थायमिन, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्वानिन 40% है, कंसंट्रेशन दी है, आपसे कह रहा है कि थायमिन की क्या कंसंट्रेशन होगी, थायमिन कितना प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ग्वानिन कितना है, 40%, ठीक है। आपको पता है डीएनए का अगर हम देखें बेस पे, तो डीएनए के अंदर क्या होता है, ए के साथ टी होता है, एक प्यूरिन एक पायरिडिन, ऐसे ही जी के साथ क्या होता है, सी होता है, प्यूरिन और ये पायरिडिन, ठीक है। अब कह रहा है कि ग्वानिन कितना है, 40%, तो वो बस है कि जितना ग्वानिन होगा उतना क्या होगा, साइटोसिन होगा, तो साइटोसिन कितना होगा यहाँ पे, 40%, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। 80% हो गया किसका, रेशियो हमारा ग्वानिन और साइटोसिन का, ठीक है। अब जो रेस्ट जो बाकी बचा कितना, 20%, ठीक है, 20 बेस पेयर, ठीक है। वो किसके होंगे, वो होंगे ए और टी हमारा बचता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, थायमिन की कंसंट्रेशन पता करनी है, ठीक है।